चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त कराची मौजूद हैं, जलसे से खिताब कर रहे हैं। मेरे कराची के अजीम पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने क्यों हूं, क्यों आया, आराम से सुने, आज तहम्मल से सुने कि क्यों एकदम फैसला किया कि हमें कराची में जलसा करना चाहिए। हम लाहौर की तैयारी कर रहे थे और लाहौर में हमने पाकिस्तान मार्च का ऐलान किया हुआ था, तो हमारा कोई प्रोग्राम कराची आने का नहीं था। नई नई तंजीम बनी थी, वक्त अभी उनको मिला नहीं था, तो सोचा था कि जब तंजीम तैयार हो जाए फिर हम कराची आएंगे। लेकिन जो जुबान अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की, तब मैंने फैसला किया कि मैं कराची आऊंगा। मेरी टीम फिरदौस नकवी, उनके साथ नए नए अभी ओहदेदार थे, उन्होंने कहा हमारी तैयारी नहीं है। मैंने फिरदौस नकवी को कहा कि कई दफा तैयारी के बगैर कदम इसलिए उठाना पड़ता है कि जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान को मुर्दाबाद के नारे लगाए, यह जरूरी था कि मैं कराची आऊं और कराची के लोगों को यह बताऊं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सारा पाकिस्तान आपके साथ है। आप पाकिस्तान का दिल हैं, आप पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल हैं, वो शहर है जो जब ऊपर जाता है पाकिस्तान को ऊपर ले जाता है, और जब कराची में मसले मसाइल होते हैं तो हम सारे पाकिस्तान को असरात आते हैं। तो मैं इसलिए थोड़े वक्त में फैसला किया। फिर फिरदौस नकवी ने मुझे कहा कि देखें वहां तो बड़े फ्लैट्स हैं, कोई स्नाइपर बैठा होगा। फिरदौस नकवी, आपको और मैं सारे आपको पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि देखें, एक जीने का राज यह है कि मरने का खौफ दिल से निकालो अगर आप जीना जाना चाहते हैं। जो आदमी अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता, आज तक दुनिया की तारीख में कोई बड़ा काम वो नहीं कर सका। जो कौम खौफ में रहती है वो गुलाम बन जाती है। और आप पाकिस्तानियों और कराची के लोग खास तौर पे, आप एक अजीम लोग हो। कराची एक अजीम शहर है। अगर ये जो खौफ तारी किया गया था कराची पे, ये जो आज से 25 साल पहले ये जो खौफ तारी किया गया था, अगर ये खौफ ना होता, आज कराची एक इतना बड़ा, इतना खुशहाल शहर होता, कराची भी उठता, पाकिस्तान भी उठता, और दुबई इतना बड़ा दुबई ना बनता अगर ये कराची के दिन इंतजार ना होता, और हम सारे पाकिस्तानी तमाशा देख रहे थे कि जब एक दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन ने कराची के ऊपर एक माफिया का कब्जा किया, कत्लेआम की, लोगों को खौफ का गुलाम बना के सारे मुल्क को अजाब में डाला, क्योंकि कराची में जो प्रॉब्लम सारे मुल्क में हुआ,
तो मैं आज आपसे, क्योंकि आज डिफेंस डे है और इसलिए मैंने ये दिन चुना, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं 13 साल का था आज से 51 साल पहले जब के हिंदुस्तान ने लाहौर पे हमला किया। मुझे भी वो याद है दिन। पहले तो मुझे याद है कि मेरे माँ बाप, हमारे बच्चों, हम, मेरे बहनों और मेरे लिए घबराए हुए थे। हम अपने घर की छत से देख सकते थे जो बम धमाके के जो रोशनी थी और खिड़कियां हमारी हिल रही थी बम धमाके से, मुझे अभी भी याद है। और मुझे एक और चीज याद है कि कभी मैंने अपनी कौम को ऐसे इकट्ठा होते नहीं देखा, मैंने कभी वो जज्बा नहीं देखा जो मैंने उसके बाद देखा। सारी कौम इकट्ठी हो गई, सारे एक बन गए, पाकिस्तानी फौज के पीछे कौम खड़ी हो गई। मुझे याद है मैं तो सिर्फ 13 साल का था, मैं भी एक दिन बंदूक निकाल के खड़ा हो गया कि मैं, क्या जी, मैं भी फौज में जाना चाहता हूं, क्योंकि एक जज्बा था सारे मुल्क में। और यकीन करें, जो भी, जब वो मेरी उम्र, मैं तो 13 साल का था, सबको वो याद है जो जिंदा था तब, कि जिस तरह का जज्बा पाकिस्तान में था। फिर मैं इंग्लैंड गया 18 साल की उम्र में, और जब मैं 19 साल का था इंग्लैंड में पढ़ा था, तो मुझे याद है ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप में से नौजवान तो खुशकिस्मत होंगे जो तब जिंदा नहीं थे, जो तकलीफ पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान में थे या मेरी तरह पाकिस्तान से बाहर थे, जो हमें डिप्रेशन और तकलीफ हुई कि हमारा मुल्क टूटा, हमारे मुल्क को तोड़ा गया। दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान मुल्क था उस वक्त ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिला के, लेकिन जो हमारा, जो मुल्क में एक इत्माद गया, जो डिप्रेशन आया पाकिस्तान में, वो मुझे याद है। फिर वो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ, और फिर एक वक्त था आज से 30 साल पहले, हिंदुस्तान से जब हम पाकिस्तान आते थे क्रिकेट खेल के, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से एक अमीर तरीन मुल्क में आ गए। हम आगे थे उनसे, हमारा यहां खुशहाल माशरा था, गुर्बत कम थी, हिंदुस्तान में जाते थे गुर्बत थी। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बड़ी टीम थी, हमारी स्क्वाश टीम मानी जाती थी, हमारी हॉकी टीम, फखर होता था अपनी हॉकी टीम को देख के। तो पाकिस्तान में एक इत्माद था कि हम ऊपर जा रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारा मुल्क टूटा। लेकिन जब ये जो 85 के बाद अल्ताफ हुसैन ने जो पाकिस्तान, ये कराची के अंदर जुल्म शुरू हुआ, वो भी मुझे याद है। कराची एक ऐसी जगह थी, रात के किसी वक्त आप बाहर निकल जाएं, अमन था, किसी को फिक्र नहीं थी, ख्वातीन जा सकती थी बाहर, किसी को अपने जान जान और माल की हिफाजत का खतरा नहीं था। तो इसलिए मैंने फैसला किया, जब मैंने अल्ताफ हुसैन के, ये खास तौर पे मुझे तकलीफ हुई सुन के, उसने कहा पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी का सेंटर है, अल्ताफ हुसैन तुम जिम्मेदार हो इस मुल्क में दहशतगर्दी इंट्रोड्यूस करवाने पे। कहता कि सारी दुनिया में दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से जा रही है, अल्ताफ हुसैन तुम लंदन में बैठ के जितने लोगों को तुमने कराची में मरवाया है, कत्ल करवाया, और अफसोस की बात यह है कि महाजरों को इसने कत्ल करवाया ज्यादातर। मैं अभी भी अजीम तारिक को ही, मुझे याद है 92 में वर्ल्ड कप जीत के हम आए, अजीम तारिक ने हमारे लिए फंक्शन की, एक इंटेलेक्चुअल था, पढ़ा लिखा था, बड़ा इनकलाबी सोच वाला इंसान था, मुझे बड़ा मुतासर किया उसने, और उसको
जब अल्ताफ हुसैन को उससे खतरा हुआ उसको मरवा दिया, किसी को इसने अपना नंबर टू बनने नहीं दिया। इसने रॉ के साथ मिलके कराची में इंतजार फैलाया। मैं हिंदुस्तान टाइम्स की फंक्शन में था दिल्ली में, जिधर मुझे हिंदुस्तान टाइम्स के सहाफियों ने बताया कि अल्ताफ हुसैन को हिंदुस्तान टाइम की फंक्शन पे रॉ ने इनवाइट किया। पोस्टर लगे हुए थे इसके, और उससे पूछा, कहता जी रॉ ने पोस्टर लगवाए हैं। ये 2003 की बात है। और ये अल्ताफ हुसैन लंदन से बैठ के कराची की तकदीर का फैसला करता था। शुक्र है अल्लाह का जो अल हक है, मैं 10 साल से इसके मुतल्लिक बोलता रहा, आखिर में उसकी जबान से वो निकलाया जो उसके अंदर था। नफरत निकली पाकिस्तान की, कहता पाकिस्तान को तकसीम करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो मैं आज महाजरों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आपको कोई जरूरत नहीं बताने की कि आप कितने मोहब्बे वतन हैं। मेरी वालदा की सारा खानदान हिंदुस्तान से हिजरत करके आया था पाकिस्तान 47 में। मेरी वालदा जितना वो और उनका खानदान मोहब्बे वतन था शायद ही मैंने किसी को देखा हो, क्योंकि वो मुझे बचपन से बताती थी कि तुम्हें नहीं अंदाजा कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। मुझे याद है कि हमारे जितने घर में काम करने वाले थे जो हिजरत करके आए थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान, ईस्ट पंजाब से, शायद ही कोई खानदान हो जिनके लोग मरे ना हो उस हिजरत में। जो कत्लेआम हुई पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, मुझे याद है हम बड़े हो रहे थे, शायद ही किसी को मिलते थे जो वहां से यहां आया हो जिसके कईयों के खानदान उड़ गए। और जिस तरह की कत्लेआम थी, लोगों को कई सालों तक शौक था। हम बड़े हो रहे थे और हमें लोगों को याद है, मुझे कि सारे याद करते थे किसी के भाई कि बहनें उठाई गई कि मां बाप उनके सामने मारे गए। तो उन लोगों को कदर थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान से प्यार करते थे। और मैं जब क्रिकेट खेलनी शुरू की तो मुझे एक मुहाजिर क्रिकेटर जिसका मैं नाम आपको आज बताना चाहता हूं, जावेद मियादाद, 18 साल मैंने उसके साथ खेला। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, फिर सारे पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, जब मैं कैप्टन था और जब मुझे मुश्किल वक्त आता था सबसे ज्यादा लड़ता था जावेद मियादाद। और पाकिस्तान के लिए खेलता था, उसको फखर था पाकिस्तानी होते हुए। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हो रहा, हिंदुस्तान में उन दिनों में अपने अपने अंपायर होते थे, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीत सकता था ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीत सकता था। हम हारने लगते थे, हमारे अंपायर मदद करते थे, वो हारने लगते थे हिंदुस्तान में, उनके अंपायर मदद करते थे। अब एक ऐसा मैच हुआ है कि फैसला होना था कि पाकिस्तान को मौका मिला हिंदुस्तान में जीतने का, और अभी तक एक ही दफा जीता है, वो जो मैं बात कर रहा हूं जिस सीरीज की। अब वो बड़ा कांटादार मैच, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सड़कें खाली, सारे टीवी देख रहे हैं। फैसला होना था सीरीज का, आखिरी टेस्ट मैच था बेंगलोर में, फैसला होना था। वो मैच ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, हमें हिंदुस्तान की टीम का भी मुकाबला करना था और हिंदुस्तान के अंपायरों का भी मुकाबला करना था। अब हो क्या रहा था कि जावेद मियादाद वहां बैट्समैन के करीब फील्डिंग कर रहा था, अपील होती थी, अंपायर नॉट आउट दे देता था।
अब मैं इसकी शक्ल देख रहा था जावेद बिन अदाद की, आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी शक्ल देखते देखते खौफ आना शुरू हो गया। एक कातलों की शक्ल बन गई उसकी। वो जितनी अपील करता था जब अंपायर नहीं देता था तो वो अंपायर की तरफ भागता था। मुझे खौफ आना शुरू हो गया। मैं अब सोच रहा था कि कल कितना होगा बड़ा कि पाकिस्तान पहली दफा हिंदुस्तान में सीरीज जीता है। लेकिन जब मैंने उसका शक्ल देखी तो मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि यही ना हो अगले दिन कि जनाब जावेद मियां दाद ने हिंदुस्तान के अंपायर को कत्ल कर दिया। तो मैंने उसको ये, मैं सच बता रहा हूं आपको, होता क्या था कि वो अपील करता था, वो अंपायर की तरफ भागता था और मैं उसके और अंपायर के बीच में ऐसे खड़ा हो जाता था। ये मैं सच आपको बता रहा हूं। तो मैंने एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जान की बाजी लगाता था अपने मुल्क के लिए। इसलिए मुहाजरो आपको कह रहा हूं, आपको कोई अपने मुहिब्बे वतन साबित करने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं, हम सबको पता है कि आप पाकिस्तानी के लिए कितनी जान देने के लिए तैयार हैं। और आप ये कभी ना समझें कि आप अकेले हैं, इमरान खान हमेशा आपके हकूक के लिए खड़ा होगा आपके साथ। अब कराची के मसले सबने आपको बताया, कराची के मसले, पानी नहीं है, गंदगी है, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक का बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है, सबको पता है। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि ठीक कैसे होगा। यह ठीक होगा ऐसे, सबसे पहले कराची की पुलिस ठीक करनी पड़ेगी। कराची की पुलिस को गैर सियासी और मेरिट पे, गैर सियासी करना पड़ेगा और मेरिट लानी पड़ेगी। मैं कराची के लोगों, जब हमारी हुकूमत 3 साल पहले पख्तूनख्वा में आई, 500 पुलिस वाले तालिबान की दहशतगर्दी में मारे गए। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पख्तूनख्वा में थी। हमने पुलिस को गैर सियासी किया, हमने कानून बनाया कि कोई मुदाखलत पुलिस में भर्तियों में नहीं होगी, कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर हुकूमत बिल्कुल नहीं करेगी, सारा फैसला पुलिस करेगी, उनको हम जिम्मेदार ठहराएंगे। और उनको कौन चेक करेगा? हमने जो बल्दियाती निजाम लेके आए हैं, पब्लिक सेफ्टी कमीशन, यानी कि हर जगह लोगों के नुमाइंदे चेक करेंगे कि अगर पुलिस ठीक काम कर रही है या नहीं, यानी कि सारी सियासी मुदाखलत खत्म की। आज मुझे फख्र है कि जो पख्तूनख्वा की उन्होंने लेकिन मुझे जो दिल में रहा हुआ मैं आपके सामने सारे पाकिस्तान में मैं मरीजों के पास जाता हूं। इस बारी में आ गया, बड़ी खुशी हुई मुझे। पहली दफा मैं देखा क्या कि मरीज जिनको जो जख्मी हुए हुए थे, सब ने मुझे, एक एक मरीज ने कहा, उन्होंने जिस तरह पख्तूनख्वा की पुलिस की तारीफ की और कहा कि अगर वो अपनी जान की बाजी ना खेलते आज हम जिंदा ना होते। अमूमन जब मैं जाता हूं अस्पताल, हमेशा मैं ये सुनता हूं कि देखिए जी, मैं कोयटा गया अभी,
जिधर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मैं देखा नहीं जाता, 40 हमारे वकील शहीद हुए, तो मैंने जब अस्पताल में जिनको देखा उनको तकलीफ थी कि जी वहां सिक्योरिटी नहीं थी, और होती भी है तकलीफ, आपको जख्मी हो, टांगे जाया हो गई, किसी की बाजू नहीं है, किसी की आंख नहीं है, तो तकलीफ तो होती है हमेशा। और 10 साल से मैं सुन रहा हूं, वो सारे कहते हैं जी सिक्योरिटी लैप्स हो गया, अगर ये हो जाता तो बेहतर हो जाता, हम शायद बच जाते, या जिनके कोई लोग शहीद होते हैं। ये पहली दफा 10 साल में पहली दफा मुझे, पहले मैं वकीलों के पास गया, सारे प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन मर्दान, उसने खराज तहसीन पेश की, कहता इमरान खान अगर वो पुलिस वाला खुदकुश हमले के पीछे भागता ना और अपनी कुर्बानी ना देता, कम से कम 30-40 वकील मारे गए थे, उसने अपनी कुर्बानी देके बचाया, उसने तारीफ की, फिर अस्पताल में मरीजों ने तारीफ की, मुझे इतनी खुशी हुई कि देख के पुलिस की इज्जत है, रिस्पेक्ट है। आज पख्तूनख्वा में आप देखें पुलिस की लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि पुलिस ने उनकी जिंदगी बेहतर की है। आप पंजाब में चले जाएं, आप यहां कराची में देखें और देखें क्या हाल है, किसी को पुलिस पे इत्मीनान नहीं है, और पुलिस को तबाह किया गया सियासी मुदाखलत ने, पैसे लेके भर्तियां करवाई, मेरिट तबाह की, तो कैसे पुलिस लोगों को तहफुज दे सकती है। और जो नसीरुल्ला बाबर का ऑपरेशन में जो पुलिस वालों ने हिस्सा लिया, चुन चुन के उन पुलिस वालों को मारा गया, उस दिन के बाद पुलिस कभी भी कराची के लोगों की हिफाजत ना कर सकी। अगर हम इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा यहां की पुलिस को गैर सियासी करेंगे, मेरिट पे लेके आएंगे, यही कराची की पुलिस वो पुलिस बन जाएगी, आपको रेंजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज बल्दियाती निजाम चाहिए कराची में। ये जो मसले मसाइल आपके हैं, ये सारी दुनिया के अंदर बल्दियात में हल होते हैं। अब आप देख लें जो बल्दियाती निजाम पख्तूनख्वा में आया, जो पंजाब और सिंध में है, यहां इख्तियारात ही नहीं है। पख्तूनख्वा के अंदर विलेज काउंसिल तक इलेक्शंस हैं, पख्तूनख्वा में 30% डेवलपमेंट फंड डायरेक्टली बल्दियात में जा रहा है, 44 अरब रुपया बल्दियाती नुमाइंदों के पास जा रहा है खर्च करने के लिए। वहां वो नहीं हो सकता पख्तूनख्वा में जो पंजाब में हो रहा है। सारे पंजाब का जो डेवलपमेंट फंड है 55% लाहौर में इस्तेमाल होता है। जनूबी पंजाब बेचारे रो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा उनको। पख्तूनख्वा में सारा फंड जो डेवलपमेंट फंड है डिस्ट्रिक्ट्स पे जाता है। इसलिए अब से जो भी बल्दियाती नुमाइंदे वो लोगों की सफाई करेंगे, अपने स्कूल देखेंगे, BHUs देखेंगे, पहली दफा इंशाल्लाह लोगों को इख्तियारात देंगे, लोगों के पास इख्तियारात आएंगे। और ये है बल्दियाती निजाम जिससे लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, लोगों को भागना नहीं पड़ता MNA और MPA के पीछे। डेवलपमेंट फंड MNA और MPA को नहीं मिलेंगे पख्तूनख्वा में, नीचे बल्दियात पे जाएंगे, और हमने तो विलेज काउंसिल्स बनाई हैं, गांव तक पैसे जाएंगे सीधे। अच्छा, मैं अब कराची के लोगों आपको आखिरी बात करता हूं। 60% पाकिस्तान का पैसा कराची से आता है, और आपको पता है कि हर रोज जो करप्शन है नैब के मुताबिक वो 12 अरब की है। 12 अरब की जो करप्शन है, इसका मतलब कम से कम 7 अरब कराची के लोगों का पैसा जा रहा है। सोचें कि अगर ये करप्शन रुक जाए, ये पैसा कराची पे खर्च हो जाए, आप सोचें कि कराची क्या से क्या बन सकता है। इसलिए ये करप्शन का मुकाबला करना हम सबका फर्ज है। और करप्शन तब खत्म होगी
जब हम अपने इदारों को जो करप्शन से हमें निजात हासिल करेंगे उनको मजबूत करेंगे, कौन सा इदारा, नैब को मजबूत करेंगे, आजाद करेंगे, एफबीआर को ठीक करेंगे, एससीसीपी को ठीक करेंगे, जब तक ये इदारे ठीक नहीं होंगे करप्शन खत्म नहीं होगी। और ये इदारे तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान का वजीर आजम नवाज शरीफ रहेगा, क्योंकि एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर कभी इदारों को ठीक नहीं होने देगा। इसलिए 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 सारे पाकिस्तानियों, हम सब ने मिलके नवाज शरीफ से जवाब मांगना है, क्योंकि ये नवाज शरीफ ने इदारों को तबाह कर दिया है, अपनी करप्शन करने के लिए इदारों को तबाह किया है, और इदारे ये कभी ठीक नहीं होने देगा, क्योंकि इदारे ठीक हो या पकड़ा जाएगा। इसलिए इसलिए हमने अभी लाहौर पाकिस्तान मार्च की, उसके बाद घबरा के नून लीग क्या करती है, नवाज शरीफ हुक्म देता है अपना जो दरबारी है एयाज सादिक स्पीकर, उसको कहता है कि इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस भेज दो, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं भेजी। नवाज शरीफ नाम तो तुम्हारा पैनामा में आया है, मेरा तो नाम ही नहीं आया। यानी ये सोचो, अब जरा एक मिनट गौर करो, ये है पाकिस्तान का मसला। एक आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होके कंपनी बनाता है बाहर पैनामा में अपने बच्चों के नाम पे, वो कंपनीज अरबों रुपए की लंदन में प्रॉपर्टीज लेती हैं। एक बेटा 6.5 अरब के घर में रहता है हसन शरीफ, ना वो बता सकता है पैसा किधर से आया, ना उसने उसके ऊपर टैक्स दिया, ना उसने कानूनी तौर पे पैसा बाहर भेजा, लेकिन स्पीकर साहब को ये नहीं नजर आया और उसने उसकी रेफरेंस नहीं भेजी। रेफरेंस किसकी भेजी? इमरान खान की। इमरान खान वो पाकिस्तानी है जिसने 18 साल बाहर कमाई की और सारा पैसा सब कुछ बेच के सारा कुछ पाकिस्तान ले आया। वो आदमी के खिलाफ रेफरेंस भेजी और जिसने यहां से चोरी करके पैसा बाहर लेके गया उसके खिलाफ नहीं भेजी। इससे आपको क्या नजर आता है कि पाकिस्तान के इदारे बजाय डाकुओं को पकड़ने के उनकी हिफाजत करते हैं। और जो अगर ये मेरे से कर सकते हैं, आप सोचें आम पाकिस्तानियों से क्या करते होंगे। आप सोचें कि ये आम आदमी ठोकरें खाता होगा, जेल भरे हुए गरीब लोगों से, सारे पाकिस्तान के जेल में आपको ताकतवर डाकू नहीं मिलेंगे, जेलों के अंदर बेचारे वो लोग जाएंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए आपने मिलके मेरे साथ इसका मुकाबला करना, कराची के लोगों आपने भी शामिल होना है। मैं 24 तारीख को राइवेंड मार्च अनाउंस कर रहा हूं। तो मैं 24 तारीख को सारे पाकिस्तान से मैं अपनी कौम को दावत देता हूं, आपने रायगढ़ आना है। हम इनको बताएंगे, ये कहते हैं कि हमने इदारों पे काबू पा लिया है तो अब हम जो मर्जी करें। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, शाह ऑफ ईरान तुम्हारे से ज्यादा मजबूत था, ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसका भी वक्त आ गया जब अवाम सड़कों पे आ जाती है तो शाह फरान भी नहीं ठहर सका। कर्नल गद्दाफी भी 30-40 साल से था, वो भी बड़ा ताकतवर था, हुस्नी मुबारक भी बड़ा ताकतवर था,
वो भी समझता था कि सारे इदारों पे कब्जा कर बैठा है, अब वो बादशाह बनेगा। सदाम हुसैन भी ये समझता था, इंडोनेशिया का डिक्टेटर सुहार्तो भी यही समझता था। सुहार्तो को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं फारग किया, नौजवानों ने, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने, नौजवान सड़कों पर निकल के उन्होंने सुहार्तो को शिकस्त दी। तो पाकिस्तानियों, अगर ये नवाज शरीफ समझता है कि इसने पाकिस्तान के इदारों को कब्जा कर बैठा है, ना एफबीआर बोलेगी, ना नैब बोलेगी, इलेक्शन कमीशन, जो पुरानी इलेक्शन कमीशन थी वो तो इसकी इसके गुलाम थे, नए इलेक्शन कमिश्नर जो आए हैं इनसे उम्मीद लगाई हुई है, लेकिन जो माजी में हमने देखा है, पाकिस्तानी कौम, हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने फैसला किया, हमने पिटिशन दी, उसने हमारी पिटिशन कहता कि ये तो संजीदा ही नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में अदब करता हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं कि अगर ये संजीदा नहीं है, यानी दुनिया के अंदर नवाज शरीफ की शक्ल आई है उन 8 सरबराहों में जिनकी पैनामा के अंदर कंपनीज डिस्कवर हुई, जिनमें अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो जब करप्शन करता है और हमारे पास जगह कौन सी है जाने की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, वो कहते जी संजीदा नहीं है। हम इंशाल्लाह अपील करेंगे, अभी भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं अपने जजेस साहिबान से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो कौन सा रास्ता रह जाएगा हमारे पास, सवाए अवाम के उस सड़कों पर निकालने के कौन सा रास्ता रह जाएगा। मैं सिर्फ आप सबको लिए आपको एक चीज मैं बताता हूं कि बर्तानिया में जिसकी हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चल रही है, आप सोचें कि वहां क्या हुआ कि उनके पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने कहा जी इन्होंने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए हैं। कितने ज्यादा दिखा दिए हैं? किसी ने 2 लाख रुपया, किसी ने 4 लाख रुपया। अब सोचें कि बर्तानिया की सालाना आमदनी 50 मुसलमान मुल्कों की सालाना आमदनी के बराबर है और उनके पार्लियामेंटेरियंस को 2 लाख, किसी ने 4 लाख ज्यादा दिखा दिया। आपको पता है जजेस ने उनको जेलों में डाला और क्या कहा? कहता आम शहरी 2 लाख 4 लाख चोरी करता हम उसको माफ कर देते, लेकिन तुम पार्लियामेंटेरियन हो, मुल्क के लीडर हो, क्योंकि तुमने रोल मॉडल हो इसलिए तुम जेल में जाओगे। तो ये जमहूरियत होती है, जमहूरियत के अंदर लीडर चोरी नहीं कर सकता। जमहूरियत के अंदर अभी ब्राजील में प्रेसिडेंट को उन्होंने इंपीच किया, किस चीज पे? झूठ बोला उसने, झूठ बोलने पे उसको इंपीच किया। हैरल्ड मैकमिलन बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर, झूठ बोलने पे उन्होंने उसको फारग कर दिया। रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट, झूठ बोलने में उसे निकाल दिया। तो या तो प्राइम मिनिस्टर हर रोज झूठ बोलता है, या तो हर रोज झूठ बोलता है, असेंबली में झूठ बोल दिया। तो झूठ भी बोलता है, पैसे भी चोरी करता है, टैक्स भी चोरी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, और हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशन देते हैं, वो कहते हैं जी ये संजीदा ही नहीं है आप। तो मैं उम्मीद लगा के रखता हूं अपने इदारों से, अभी भी, अब तक तो इदारों ने कुछ ज्यादा हमें नहीं दिखाया, लेकिन अभी भी मैं उम्मीद लगाई हुई आपसे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी का ख्याल है कि शरीफ खानदान ने क्योंकि कब्जा कर लिया पाकिस्तान के सारे इदारों पे और वो समझते हैं कि हम चुप करके शरीफ खानदान की गुलामी करेंगे, इस गलत फहमी में कोई ना रहना। नवाज शरीफ, 24 तारीख को इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लोगों को रायबंड लेके आऊंगा, 24 सितंबर को इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान से लोगों को लेके आऊंगा रायवंड,
और सिर्फ हम एक डिमांड करेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर इस कौम को जवाब दें, आप जवाब दें, आप पीछे ना छुपें। ये स्पीकर जो आपने, आपका जो दरबारी है जो दो दफा धांधली करके आज बैठा हुआ स्पीकर बन के, ये स्पीकर जो मर्जी कर ले, हम जाएंगे पाकिस्तानी कौम के पीछे, हम अपनी कौम को साथ लेके आएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम तब तक सांस नहीं लेंगे नवाज शरीफ जब तक हम आपको इत्तेसाब के कटारे में नहीं खड़ा करेंगे। आखिर में मैं अपनी पाकिस्तान की फौज को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी, जिस तरह मुझे पता है कि उन कितनी उनके घरों में जितने शहीद हुए घरों में क्या गुजर रहा है। मैं उन सारे पाकिस्तानियों को भी जो पिछले 10 साल में 70,000 हमारे लोग मारे गए, लेकिन मैं अपनी फौज को खास तौर पे खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि जो दहशत गर्दी थी एक वक्त पे मुल्क को तबाह कर रही थी वो कंट्रोल में लेके आ गए हैं, और आज हैवी डिफेंस डे हम आपको सलाम पेश करते हैं। और मैं उसके बाद आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको फिर से कहता हूं कि 24 तारीख को जिधर से भी पाकिस्तानी हैं आपने मेरे साथ रायबंद पहुंचना है। 6 सितंबर के हवाले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे थे।